सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ आंचल अपनी चैनल। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज ये वीडियो होने वाली है क्यू एंड ए। ये आपको कवर फोटो देख के पता चल ही गया है। मैंने दो दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों के मन में जो भी सवाल है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि ये बता दो वो बता दो, इसलिए मैंने स्टोरी लगाई जिससे आप सारे क्वेश्चन पूछ सको। तो इसलिए मैंने आज मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाली हूँ, तो कम से कम 2000 लोगों के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है उनको। 1000 क्वेश्चन है तो उनको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है कुछ 10-20 क्वेश्चन को। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो एक ही क्वेश्चन 2-3 लोगों ने बार बार किए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट किया है। तो हम बातें ज्यादा नहीं करेंगे, वीडियो सीधा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है दिशा राठौर का। दिशा राठौर 24, मेरे फेस पर बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है, उसको कैसे ठीक करें, बहुत ऑयली स्किन है मेरी। तो मैंने टैनिंग पे वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डाल रखी है, यूट्यूब पे भी डाल रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं और टैनिंग को हटा सकते हो। वैसे अगर आपको बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है तो आप ना कर्ड में मिक्स करके जो चंदन पाउडर आता है मार्केट में, आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा या फिर आपको लोकल शॉप पे भी आराम से मिल जाएगा, तो आप बस उसमें 2 चम्मच आप डालो और कर्ड में मिक्स करके वो लगाओ, टैनिंग बहुत जल्दी गायब हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये था क्वेश्चन। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है विधि चौधरी का, 5836 का, कि मेरी वेडिंग होने वाली है, बेस्ट रेमेडी बता दो आप प्लीज। तो मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ही डाली है, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि शादी के लिए मैंने बहुत अच्छा एक फेशियल डाला है जो आप घर में कर सकते हैं। और अगर आपकी शादी को आप ना शादी अगर आज है तो आप उसके 15 दिन पहले से ना स्टार्ट कर दो उसको करना, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके, तो आप वो कर सकते। तो एक ये पूछा है खुशबू 19 ने कि हाय दीदी, मेरी शादी है नवंबर में और मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, क्या करूँ, मैं बहुत कुछ ट्राई करके देख चुकी हूँ। तो आपको ना मैंने अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी डाली थी पिंपल्स पे, अगर आपको नहीं देखी तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेना है हल्दी, आप चुटकी भर हल्दी ले लो, उसमें ले लो दालचीनी का पाउडर। अब दालचीनी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, जो हम खड़े मसाले में यूज करते हैं दालचीनी, वही उसका ही पाउडर लेना है। और आपको उसमें एलोवेरा मिक्स करना है और अपने जहां जहां पिंपल्स है आपको उसको लगाओ और बहुत जल्दी आपको पिंपल्स पर फर्क पड़ेगा। तो ये पूछा है मानसी 22850 ने कि आप कौन सा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज करती हो। तो मैं सनस्क्रीन तो BLCC की जो सनस्क्रीन आती है वो यूज करती हूँ, और मॉइस्चराइजर मैं मामाअर्थ का यूज करती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले बताया भी था कि मैं मामाअर्थ का यूज करती हूँ। ये क्वेश्चन पूछा है करिश्मा ने 182 ने कि मैम, मुझे बहुत ज्यादा पूरे फेस पे काले काले तिल हो रहे हैं, क्या करें। तो मैंने काले तिल के लिए बताया भी था कि सोडा में ना लेमन डाल के आप उस जगह पर लगाओ। अगर आपको उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो हर चीज का सॉल्यूशन पे ना घर में नहीं होता है, आपको स्किन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको उनको बताना चाहिए आपको स्किन पे बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आपको 1-2 हो रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, आप उसको घर पे सॉल्यूशन कर सकते हो उसको। अगर आपके पूरे फेस पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपको स्किन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये पूछा है सालू ने 220619 ने कि प्लीज सैम, मुझे ना वेट लॉस के लिए कुछ बता दो। तो गाइज, मैं सच बताऊं, मेरा निया के बाद बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था, मतलब मेरा 63 kg हो गया था और मैं थी 52 kg, तो मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था। तो मैंने कैसे, मैं ना बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखती थी तो लोग बोलते थे ये इसको खाओ, डाइट कॉन्शियस रहो तो वेट लॉस हो जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि जब तक आप एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते हो, आपको ये सब तो करना ही है कि 7 बजे के पहले आप खाना खा लो, सुबह आपको गर्म पानी शहद में नींबू ले लो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा कम पड़ेगा। लेकिन जो सेफ होता है बॉडी का, उसको आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप जरूरी नहीं है सुबह एक्सरसाइज कर सकते हो, मैं शाम को कर लेती हूँ 15 मिनट के लिए कुछ एक्सरसाइज है, वो मैं उसकी लिए आपको वीडियो बना दूंगी, तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं वैसे मलाइका अरोरा को देखती हूँ, उनकी एक्सरसाइज को फॉलो करती हूँ, तो मैंने कुछ अलग से तो सीखा नहीं, उनकी वीडियो को देख के मैंने फॉलो किया है, तो आप वो कर सकते हो। ये पूछा है हिमांशी राजा ने 001 ने कि आपकी शादी कब हो गई थी। तो गाइज, मेरी शादी 2018 दिसंबर में हो गई थी, जिसको मेरी शादी को 5 साल हो जाएंगे दिसंबर में, तो बस यही 5 साल हो गया मेरी शादी को। पूछा है जानी ने, इनकी कुछ मुझे आईडी समझ नहीं आ रही है, जानी 1607 कि आपका लव मैरिज पे क्या कहना है, अरेंज मैरिज ज्यादा अच्छी होती है, लव मैरिज अच्छी होती है। तो गाइज, मेरा तो ना यही है कि प्यार होना चाहिए, चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, दोनों को एक दूसरे के बारे में समझना चाहिए। तो बस यही है मेरा तो, और लाइफ बहुत अच्छी चलती है अगर आप एक दूसरे को समझते हो, आप एक दूसरे की फैमिली को समझते हो, तो मेरे ख्याल से तो ये हैप्पी फैमिली और हैप्पी शादी होती है। ये पूछा है रुद्रांश
ट्वेल्थ राजपूत ने, मतलब रुद्रांश 1-2 राजपूत ने पूछा कि दीदी आप कहाँ से हो। तो मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली पर रहती हूँ शादी के बाद, और जो मेरा होम टाउन है वो ललितपुर है, झांसी के पास है, यूपी से, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। ये पूछा है अंजलि ने 7017 कि आप जो हेयर केयर करती हो उससे इफेक्ट पड़ता है। गाइज आप मेरे बाल देख सकते हो, आपने बहुत सारी वीडियोज में देखे हैं मेरे बाल, ट्रस्ट मी गाइज बहुत फर्क पड़ता है। एक बात बताओ, आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, आप मार्केट के प्रोडक्ट यूज करोगे, बहुत ज्यादा केमिकल है उनमें। हाँ करने पड़ते हैं कभी कभी, जैसे शैम्पू है वो हम रोज घर में नहीं बना सकते, कंडीशनर है वो नहीं बना सकते, तो आपको मार्केट के प्रोडक्ट यूज करने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हम नेचुरल कर सकते हैं, अपने बालों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हेयर स्पा कर सकते हैं, मैं हेयर स्पा पे एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके जो रफ बाल हो जाते हैं ना वो हेयर स्पा से काफी ठीक हो जाते हैं, मैं घर में ही बताऊंगी बिना कोई पैसे के। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये ट्रस्ट मी गाइस एक बार आप करके देखो तब आपको रिजल्ट दिखेगा। और मैंने लगाया भी था कि 1.5 साल मेरे पहले की फोटो दिखाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आपने एक्सटेंशन लगा रखे, उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ गाइस, क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के दिखा चुकी हूँ अपने बाल, मेरे रियल बाल हैं ये सारे। तो गाइस इतने ही क्वेश्चन मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, और बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि आप बहुत क्यूट हो, बहुत सुंदर हो, तो उन सबके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप अपना टाइम निकाल के मुझे मैसेज करते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, तो थैंक यू सो मच गाइस। और बाकी अगर आपको ये Q&A अच्छा लगा हो तो मैं Part 2 भी बनाऊंगी इसका, अगर आप कमेंट करोगे तो। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।